वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ फरवरी मंथ 2020 फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एंड क्लास फोर एग्जाम, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फरवरी मंथ के नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आपको हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है? सिंपली टेलीग्राम ऐप पे जाके हमारे चैनल का नाम सर्च कीजिए, नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 200 प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सेम वीडियो में आप इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट इस वीडियो को वॉच कर सकते हो, खुद को एनालाइज कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते हैं। जनवरी मंथ का भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी चेक कर लीजिएगा। सो इन्जॉय द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करके इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। 8th एडिशन ऑफ वुमेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, तो किसने जीत लिया 108वें एडिशन का वुमेन सिंगल टाइटल का खिताब? करेक्ट आंसर होगा इसका अमेरिका की सोफिया कैनिन। ओके, अमेरिका की सोफिया कैनिन ने ये जीत लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने वाले, कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। पहला ग्रैंड स्लैम होता है ईयर का एंड 108वां एडिशन था। ओके, सोफिया कैनिन ने हराया किसको? इन्होंने हराया गैब्रिन मुगुरुज़ा को। मुगुरुज़ा कहाँ की हैं जी? ये हैं जी स्पेन की, सोफिया कैनिन अमेरिका की हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैन सिंगल की बात की जाए, नोवाक जोकोविक ने जीत लिया, वो हैं सर्बिया के। तो वो मैं आने वाले स्लाइड में आपको क्लियर कर दूंगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोफिया कैनिन, याद रखना 108वां एडिशन था, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। सेकेंड करते, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नेपाल? इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नेपाल किसे अपॉइंट किया गया, ये आपको बताना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फरवरी मंथ। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विनय मोहन कात्रा। विनय मोहन कात्रा को अपॉइंट किया। ये किसको सक्सीड कर रहे हैं, किसको रिप्लेस करेंगे? मंजीव सिंह पुरी को। ओके, इनका नाम आपको याद रखना है। एंड बाकी ऑप्शन में जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। विक्रम मिश्री इंडियाज ने एम्बेसडर टू चाइना है। हर्षवर्धन श्रृंगला, इनको अब फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया था, पहले ये इंडियाज एम्बेसडर टू USA थे। तरनजीत सिंह सिंधु को बनाया गया इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू USA। ओके, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इसका जो करेक्ट आंसर है विनय मोहन कात्रा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू UNDP रिपोर्ट, ओके, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट, विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो कौन सा स्टेट नंबर वन पे रहा अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ओके, बट अगर बात की जाए, वहीं यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, अगर नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो केरल नंबर वन पे रहा इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, बट अकॉर्डिंग टू UNDP इट्स तेलंगाना। ओके, तो याद रखिएगा। अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में, एस्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 22 नवंबर 1965, हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, एंड इसके जो हेड है वो HM स्टेनर। ओके, तो तेलंगाना करेक्ट आंसर होगा। अबाउट द स्टेट बेसिक डिटेल्स, तेलंगाना से सबसे इंपॉर्टेंट, तेलंगाना एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्जर्व कर रहा है 2020। ओके, तो वो आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय इंडिया RBI? तो किसे बनाया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? जो सारे रेट्स, जैसे बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं जी, इसके हेड बनाए गए। किसको बनाया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनकराज। ओके, याद रखेगा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। What will be the India's GDP in 1920 according to latest economic survey? तो इंडिया का GDP क्या रहने वाला है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे? सो हमारा जो GDP रहेगा जी, वो रहेगा जी 5%। ओके, याद रखिएगा। एंड इसका जो थीम रखा गया था इकोनॉमिक सर्वे का, enable markets, promote a pro business policy and strengthen trust in economy. ओके, एंड जो इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो KV सुब्रमण्यम, वो भी आप जरूर याद रखिएगा। ओके, एंड आने वाले ईयर में 2021 में जो प्रिडिक्शन है वो है जी 6 से 6.5 के बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 6 to 6.5, बट दिस ईयर 5%। हु हैज बीन अनाउंस्ड टू ऑनर विद कल्पना चावला एक्सलेंस अवार्ड? तो किसे सम्मानित किया जाएगा कल्पना चावला एक्सलेंस अवार्ड से? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दिलराज प्रीत कौर। ओके, देखो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट ईजी फॉर मी। सो
पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, एंड इसको शेयर करना है, ओके। एंड आज की जो हमारी ये वीडियो है फुल मंथ करंट अफेयर की, इसका वीडियो का लाइक टारगेट है हमारा 5000 लाइक्स। तो उम्मीद करूंगा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। एंड पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज डेली करंट अफेयर भी आपको इस चैनल पर मिल जाते हैं डेली 5 बजे, एंड वीकली भी मिलते हैं एंड मंथली भी मिलते हैं इन दिस फॉर्मेट, ओके। एंड टारगेट ये है कि 100K सब्सक्राइबर्स रीच करने बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ, सो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड हमारे टारगेट अचीव करने में मेरी मदद जरूर करना 5000 लाइक्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो। देन उसके बाद हुआ, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कैनेडा। तो किसे अपॉइंट किया इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कैनेडा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज अजय बिसारिया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, हु विल बी अवॉर्डेड विद पैन गोरी लंकेश सम्मान ऑफ 1920। लाइक ये लिटरेचर में दिया, जर्नलिज्म में दिया जाता है, ओके, जर्नलिज्म में दिया जाता है ये अवार्ड गोरी लंकेश सम्मान। लास्ट ईयर याद होगा रवीश कुमार को दिया गया था, एग्जैक्टली रमन मैगेसेसे अवार्ड भी रवीश कुमार को ही दिया गया था, NDTV के एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव। इन दिस ईयर ये दिया जा रहा है यूसुफ जमील को, ओके, यूसुफ जमील हैं जी, जम्मू एंड कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं, नोन फॉर हिज कवरेज ऑफ द कश्मीर कन्फ्लिक्ट, द डिस्प्यूटेड हिमालय रीजन, अवर विच इंडिया एंड पाकिस्तान हैव फॉट फॉर 3 वॉर्स, ओके। तो ये सारी इन्होंने रिपोर्टिंग की थी, तो जर्नलिज्म में अवार्ड दिया जा रहा है, किसको दिया जाएगा? यूसुफ जमील को, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप द लिस्ट ऑफ एम्बिशियस डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग? एक लाइक एक प्रोजेक्ट था लाइक विलेज को लाइक मॉडिफाई करने का, सो 2018 में से शुरू किया गया था, सो अब नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली कि कौन सा लाइक विलेज नंबर 1 पे रहा, ठीक है। तो ये रहा जी चंदौली, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये दिस वॉज टॉप्ड बाय चंदौली विलेज, ठीक है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी है। देन उसके बाद, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू ज्वाइन फॉरेन फुटबॉल क्लब? तो कौन बन गई ये फर्स्ट वूमेन जिन्होंने किसी फॉरेन फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया? इनका नाम है बाला देवी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ओके। कुछ डिटेल्स भी हैं, कौन सा बोर्ड ज्वाइन किया, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको हर स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट होगी वो आपको मैं देता रहूँगा, एंड ताकि आप PDF जब डाउनलोड करो तो आपको सारी चीज़ें इन डिटेल मिल जाएं, ओके। देन उसके बाद, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट डीफ टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन? तो फर्स्ट डीफ बनी जिन्होंने अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया। अरे यहाँ पर पिक्चर चाह रहे हैं, बट इनकी पिक्चर ये वाली है, ओके, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। सो इनका नाम है मो ब्रेन, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। खगेंद्र थापा, ये आपको याद होगा, नेपाल के सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, ठीक है, छोटी हाइट में सबसे ज़्यादा। एंड ज्योति एमगे, ये इंडिया की हैं, ये वुमेन कैटेगरी में सबसे छोटी वुमेन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। मैन कैटेगरी में खगेंद्र थापा थे। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ IBM? तो किसे बनाया गया इंडियन ऑरिजिन के, ओके, इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए अरविंद कृष्णा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हेडक्वार्टर्स है जी न्यूयॉर्क में, ओके। WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, कौन से वायरस की वजह से, जिसने चाइना में लगभग 3000 लोगों की जान ले ली अभी तक? तो ये वायरस था जी कोरोना वायरस, एंड इसका अब न्यू नाम भी आ चुका है COVID-2019, ओके, तो वो आपको याद रखना, आने वाले स्लाइड में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद, एशिया पैसिफिक ने लाइक बैंकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया, तो कौन रहे जी बैंकर ऑफ द ईयर, ओके, इनका नावेल पिक्चर आपके सामने है, ये जहीं RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, ओके, याद रखिएगा। देन उसके बाद, विच स्टेट विंस अवार्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? इस योजना के तहत जो भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है उनको लाइक गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी, ठीक है, सो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा बेटर इम्प्लीमेंटेशन हुआ था? ये हुआ था जी मध्य प्रदेश में, ओके, यहाँ पे इसको मैं मार्क कर दूंगा, कोई बात नहीं है, इसको मैं करेक्ट कर लूँगा, आपको जो मिलेगा PDF मिलेगा उसमें ठीक होगा ये, ठीक है, तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ओके। अबाउट द स्टेट बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी मध्य प्रदेश की। देन उसके बाद, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रीजॉइन कॉमनवेल्थ गेम्स अगेन? तो इस कंट्री ने फिर से रीजॉइन किया, आपको बताना कौन से कंट्री ने, ओके, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी मालदीव्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोबाइल प्रीमियर लीग? तो किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? एग्जैक्टली विराट कोहली। इंडियन डिप्लोमैट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हाई कमिश्नर टू श्रीलंका? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, इनका नाम याद रखना आपने, गोपाल बागले, ओके। यूनियन गवर्नमेंट सेट अप से टास्क फोर्स टू रिस्ट्रिक्ट नोवेल
कोरोना वायरस आपको पता है कि कितना ज़्यादा फैल रहा है, इंडिया में ना फैल जाए इसलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी। इसमें काफ़ी बड़े मिनिस्टर्स लाइक हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, उसके बाद मिनिस्टर फॉर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी, सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, एक पूरी फोर्स बनाएगी। इसका जो मेन काम है, प्रेम ऑब्जेक्टिव है कि कोरोना वायरस को हमारे इंडिया में आने से रोका जाए। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखना है। इस जो टीम बनाएगी इसमें कौन कौन से लीडर्स हैं नाम याद रखिएगा। ओके, दें उसके बाद विनोद शुक्ला विंस फर्स्ट मथुर भूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। फर्स्ट मथुर भूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी जो बुक है वो है जी ब्लू इज लाइक ब्लू। नोटेड हिंदी पोइट नॉवलिस्ट एंड साहित्य अकादमी ऑनर विनोद शुक्ला हैज़ वॉन इनॉग्रल मथुर भूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, याद रखिएगा द स्टोरी इन ब्लू इज़ लाइक ब्लू इज़ ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाय अरविंद कृष्णन। बाकी देखो पूरी डिटेल भी मिल जाएगी इसमें आपको। इस बुक में बेसिकली क्या लिखा गया है, जो कॉमन पीपल की लाइफ में एंड उसके जो डेली स्ट्रगल्स होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने इस पर मैंशन की गई हैं। ओके, मथुर भूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड विनोद शुक्ला, याद रखेगा। 11th डिफेंस एक्सपो 2020 जो लखनऊ में हुआ, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, याद रखिएगा। एंड जो थीम रखा गया था वो रखा गया था जी इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ओके, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह। वहीदा रहमान टू बी ऑनर्ड विद किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया वहीदा रहमान को। ओके, वहीदा रहमान विल बी ऑनर्ड, ठीक है, ये बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। दिस अवार्ड फॉर 2018 विल बी गिवन टू रहमान। 2 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाता है, ठीक है। 13 अक्टूबर को दिया जाएगा जिस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है सिंगिंग लेजेंड किशोर कुमार जी की। ओके, अबाउट द स्टेट बेसिक डिटेल्स, कमलनाथ वहाँ के CM एंड गवर्नर हैं लालजी टंडन। ओके, तो ये बेसिक डिटेल एंड ये आपके सामने पिक्चर आ गई वहीदा रहमान की। ओके, ऑन विच डे वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व, कौन सी डेट को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, तो ये किया जाता है 4 फरवरी को एंड जो थीम रखा गया फॉर दिस ईयर I am and I will। ओके, याद रखिएगा। एंड कब से स्टार्ट हुआ था, 4 फरवरी 2000 से इसको लाइक स्टार्ट किया गया था ऑब्जर्व करना वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस बायोफ्यूल एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स लैंडेड सक्सेसफुली। फर्स्ट बायोफ्यूल है, इसके दोनों जो इंजन है उसमें बायोफ्यूल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट परीक्षण किया गया एंड सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस एयरक्राफ्ट का नाम भी आपको याद रखना है AN-32 एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इसका जो परीक्षण हुआ वो हुआ जी लेह में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, राधा कृष्ण माथुर हैं जी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। तो ऑफिशियल मास्कट रूबीगुला हैज़ बीन अनवील्ड फॉर नेशनल गेम्स 2020। ओके, जो गोवा में होने वाले हैं, अब यही पूछ रहा था कि ये 36th एडिशन है, ये कहाँ पे होगा नेशनल गेम्स का। ओके, तो ये होगा जी गोवा में, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, गोवा के बारे में बेसिक डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। ग्लोबल टेक फर्म हैज़ लॉन्च्ड अ शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्लीकेशन कॉल्ड तंगी विच फोकस ऑन क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी पे फोकस करेगी, तो किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, इसे लॉन्च किया जी गूगल के द्वारा। ओके, अबाउट दिस गूगल, 4 सितंबर को इसकी फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, ठीक है। इनका नाम भी आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में भी ये पूछ देते हैं कि गूगल डे कौन सी डेट को होता है। तंगी ऐप। ओके, किसे चेयरमैन बनाया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का, ये आपको बताना है, ठीक है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर अजीत कुमार। ओके, याद रखिएगा। सर्बिया नोवैक जो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग वाले वीडियो में, स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही, इन्होंने जीत लिया जी ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैन सिंगल का खिताब। ओके, नोवैक जोकोविक ने, ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने हराया किसको, इन्होंने हराया जी ऑस्ट्रेलिया डोमिनिक थीम को। ओके, तो इन्होंने हरा के ये जीत लिया ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल का खिताब इन मैन सिंगल कैटेगरी। कौन सी कंट्री के हैं जी ये, जी सर्बिया के। ओके, याद रखिएगा नोवैक जोकोविक। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की, वो त्रिडियाँ होती है ना, ठीक है, जो कीड़े होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर टाइप होते हैं ना, ठीक है, तो बचपन में देखा ना हम, इसको कोशिश करते थे कि इसको इसके पीछे धागा बांध के ना इसको उड़ाया जाए, देखते हैं हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं। तो उसको लाइक इतना उन्होंने तबाही मचा दी, तो पाकिस्तान को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई थी। ओके,
पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। इराक न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए जी आपको बताना। ओके तो इनका नाम है मोहम्मद तौफीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अबाउट द कंट्री बेसिक डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 74th इंडिपेंडेंस डे कौन सी कंट्री ने सेलिब्रेट किया 4 फरवरी को। द कंट्री इज ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। ओके स्टेट डिजास्टर लाइक डिजास्टर इसको डिक्लेयर किया था कोरोना वायरस की वजह से किसी इंडियन स्टेट ने, क्योंकि सस्पेक्टेड केस पाए गए थे। तो कौन सी स्टेट में पाए गए थे ये केस, ऑप्शन नंबर बी केरल में। ओके देखो मैं काफ़ी सिंपल वे में आपको आपके साथ काफ़ी फ्रेंडली वे में करूँगा, आप आराम से बैठ जाइए। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा बट एट दी एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड काफ़ी अच्छे से आपके सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ओके एंड टारगेट भी अपने अचीव करवाना है मेरा। काला घोड़ा फेस्टिवल कौन से इंडियन सिटी में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है तो ये काला घोड़ा होता है जी मुंबई में। ओके मुंबई महाराष्ट्र। साथ ही सोफेस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, सो ये था जी एक इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लाइक बच्चों की रुचि लाइक इंटरेस्ट क्रिएट करना। सो एक इनिशिएटिव जिसका नाम है सोफेस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। ओके तो दिस इज द इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप ए टारगेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज अबाउट हाउ मेनी किलोमीटर पर डे इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। अब क्या होता था कि पहले 25 किलोमीटर लाइक बनती थी, 25.23 किलोमीटर अगर कहीं भी काम लगाया तो दिन का इतना ही हाईवे प्रोजेक्ट बन पाता था। बट इसको स्पीड अप करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट 30 किलोमीटर पर डे हाईवे बनाया जाएगा। ओके अब गति GATA एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, ठीक है उसमें भी आप अपनी पब्लिक लाइक वो ओपन होगा, उसमें आप अपनी कोई कंप्लेंट्स वगैरह डाल सकते हो रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर काम नहीं चल रहा डिले हो रहा है तो वो पोर्टल गति पोर्टल भी बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट द्वारा से लॉन्च किया गया था। ओके सो दो न्यू टैक्स लैब्स इन दिस बजट 2021, तो कौन सी दो न्यू टैक्स लैब्स एड ऑन हुई है, ऑप्शन नंबर ए 15% एंड ऑप्शन नंबर सी 25%। ओके तो न्यू दो टैक्स लैब जो ऐड ऑन हो गई, इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी, एंड 5 लाख तक अब इस बार आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड सेफ्टी अवार्ड 2019 फॉर द लोवेस्ट एक्सीडेंट रेट। कौन सी बस सर्विसेज को लाइक लोवेस्ट एक्सीडेंट रेट, इस बसेस सर्विसेज में लाइक सबसे कम एक्सीडेंट होते हैं जी, तो ये अवार्ड दिया गया DTC के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस सर्विसेज को ये अवार्ड दिया गया लोवेस्ट एक्सीडेंट रेट देखेंगे। ओके नेक्स्ट करते हैं, कोस्टल सिक्योरिटी एक्साइज माल्टा अभियान कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। तो माल्टा एक्साइज जो कंडक्ट की गई, ठीक है कहाँ पे, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो द एक्साइज नेम्ड आफ्टर माल्टा रिवर एम्स टू इंटरेक्ट विद द कोस्टल कम्युनिटीज टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन कोस्टल सिक्योरिटी। ओके तो याद रखिएगा माल्टा अभियान बाय इंडियन नेवी कोलकाता वेस्ट बंगाल में। थिंक टैंक जो टॉप रहा हमारे इंडिया की तरफ से एज पर द रिपोर्ट। ओके तो ये रहा जी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बेस्ट थिंक टैंक अमंग वर्ल्ड वाइड ये रिपोर्ट थी। ओके US बेस्ड ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन इज द हाई स्ट्रेंथ थिंक टैंक ग्लोबली। नीति आयोग भी हमारा एक थिंक टैंक है। ओके टोक्यो ओलंपिक्स के गुडविल एम्बेसडर कौन होंगे ये आपको बताना है, बिल्कुल सौरभ गंगोली। Who has been elected as the president of Paralympic Committee of India? तो किसे प्रेजिडेंट चुना गया, एग्जैक्टली दीपा मलिक। ओके इंडियाज बिगेस्ट रूरल टेक्निकल फेस्टिवल अंतःप्रज्ञा 2020 हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो लाइक कहाँ पे लाइक इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि टेक्नोलॉजी के प्रति बच्चों की रुचि पैदा करना। ओके थीम द स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। सो ये ऑब्जर्व किया गया, सेलिब्रेट किया गया तेलंगाना में। ओके तेलंगाना एज अ ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऑब्जर्व कर रहा है 2020, याद रखिएगा। देखो पूरे साल भर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का स्पेशल PDF भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 2019 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इन दिस स्पेशल PDF मिल जाएंगे, 69 रुपीज में 2019 के 2000 क्वेश्चंस आपको इस PDF में मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर परचेज करें। 2019 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप कवर कर सकते हो। ओके डायरेक्टर कौन बन गए ऑल इंडिया के ये आपको बताना है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए प्रमोद अग्रवाल। ओके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में।
कितने लाख का बैंक इंश्योरेंस आपको मिलेगा, आपके बैंक में अगर कितना भी पैसा कुछ भी हो जाए, बैंक कंगाल हो जाए, लूट जाए, बट एटलीस्ट आपको 5 लाख के आपके जितना भी पैसा होगा उसका इंश्योरेंस बैंक अब प्रोवाइड करेगा. ओके, तो आपके मनी का 5 लाख का इंश्योरेंस कर दिया. दिस वॉज डिसाइडेड इन दिस बजट प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमन जी. ओके, मैत्री एक्सप्रेस एंड बंदना एक्सप्रेस कौन कौन से कंट्रीज को कनेक्ट करती है, इंडिया को किसके साथ कनेक्ट करती है? तो ये करती है इंडिया को बांग्लादेश के साथ कनेक्ट. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनवील्स न्यू वैक्सीन टू कंट्रोल क्लासिकल स्वाइन फ्लू फीवर. ठीक है, स्वाइन फीवर को कंट्रोल करने के लिए एक न्यू वैक्सीन को अनवील्ड किया, क्लासिकल स्वाइन फीवर. ओके, तो याद रखिए इंडिजीनियसली बिल्ट की गई है, सस्ती भी है. ठीक है, लाइक जो पहली थी वो महंगी थी, अब ये 2 रुपये पर डोज आपको मिल जाएगी. ओके, तो याद रखिएगा अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी, एंड बाकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी. डायरेक्टर कौन है? त्रिलोचन महोपात्रा. ICAR के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली, इंडिया में. ओके, देन उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ऑब्जर्व एक वीक ऑब्जर्व किया गया था, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, कब से कब तक? तो ये किया गया 10 से लेकर 14 फरवरी तक. जो थीम था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो SMSME जो इसकी थीम रखा गया था. ओके, जन सेविका स्कीम कौन सी इंडियन कौन सी स्टेट द्वारा स्टार्ट की गई? टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सिटीजन्स, डोर स्टेप फैसिलिटीज प्रोवाइड करने गवर्नमेंट सर्विसेज का, लाइक जैसे रजिस्ट्रेशन हो गई, बिजली का बिल हो गया, इस तरह की फैसिलिटीज. ठीक है, राशन कार्ड हो गया. तो दिस वॉज स्टार्टेड बाय ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका. ओके, तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था कर्नाटका द्वारा. देन उसके बाद व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील? तो कौन सा रैंक है जी हमारा? हमारा रैंक है जी 2 नंबर. ओके, टॉप्ड बाय चाइना. चाइना का प्रोडक्शन है 99.3 मीट्रिक टन एंड इंडिया का है जी 111.2 मीट्रिक टन. वैसे देखा जाए चाइना हमसे काफ़ी ज़्यादा लीड है, बट स्टिल वी आर इन द सेकेंड नंबर. ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड धर्मेंद्र प्रधान एंड जो पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं. पिंक सिटी बिकम्स सर्टिफाइड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको सर्टिफिकेट मिल गया है जी. ठीक है, जयपुर की पिंक सिटी ओके नेशनल हेरिटेज साइट बन चुकी है, एंड इससे बेनिफिट ये होगा कि अब टूरिज्म अट्रैक्ट होगा. ठीक है, टूरिज्म बढ़ेगा इन पिंक सिटी जयपुर. ओके, बाकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे पूरी मिल जाएगी, आप PDF डाउनलोड करोगे तो आप आराम से पढ़ सकते हो. ओके, RBI 6 बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी को अनवील किया, एंड जो इसका रेपो रेट जो रखा गया इस बारी वो अनचेंज रहा. ओके, तो वो अनचेंज रहा, वो रहा 5.5% पे ही. ओके, बाकी डिटेल्स भी आपको इसकी पूरी मिल जाएगी, एंड रिवर्स रेपो रेट 4.90%, एंड RBI ने GDP ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2021 का बढ़ा दिया 5 से 6% कर दिया. ओके, अभी न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया डॉक्टर जनकराज, वो आप याद रखिएगा. ओके, द US सेनेट हैज़ एक्विटेड प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा था बट अब फ्री हो चुके. ठीक है, इन्होंने इन पे जो आरोप लगे थे अब्यूज ऑफ पावर एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू कांग्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अपनी पावर का मिसयूज एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू कांग्रेस, यानी कि दूसरों के काम में बंधक डालने के, लाइक वो कहते हैं ना उसको, हिंदी वर्ड मुझे बोला नहीं आ रहा, लाइक किसी के काम में रुकावट डालने का इनका जो इन पे लगे हुए थे आरोप लगे थे. ठीक है, सो इनका इसका जो करेक्ट आंसर, अब US के प्रेजिडेंट अभी हाल ही में इंडिया से होके गए. ठीक है, वो याद रखेगा नमस्ते ट्रंप, इतना बड़ा फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किया था डोनाल्ड ट्रंप. IADR ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल रिसर्च द्वारा इन द फील्ड ऑफ डेंटल रिसर्च, लाइक डेंटल में इन्होंने रिसर्च की फेलोशिप दी गई. तो आपको बताना इनका क्या नाम है, इनका नाम है डॉक्टर सैम्या यूनस खान. ओके, फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है जी किसी कंट्री की आर्मी ने, इतना पावरफुल है कि AK-47 10 मीटर से भी फायर किया हो ना तो वो हेलमेट पहना हो तो कोई नुकसान नहीं देगा हमारे जवानों को. सो ये बनाया गया इंडिया द्वारा, एंड दिस वॉज डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी मेजर अनूप मिश्रा, याद रखिएगा. किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आए थे हमारी कंट्री में 5 दिन के विजिट पे, तो ये कौन सी कंट्री के हैं जी? ये हैं जी श्रीलंका के. ओके, पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको, महिंदा राजापक्सा इनका नाम है. ओके, लेप्रेसी, लाइक इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी रेडिकेशन, तो सम्मानित किया गया, किसे दिया गया अवार्ड ये? ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हैंसन डिजीज, तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर NS धर्माशक्तु को एंड लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट दोनों को ये सम्मानित किया गया बाय इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी इरेडिकेशन 2020.
नासा के एस्ट्रोनॉट वापस आ चुकी हैं, ये पूछ रहे हैं कि कितने दिन इन्होंने स्पेस में गुजारे। तो इन्होंने गुजारे जी 328 दिन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एंड इनका नाम है क्रिस्टिना कोच। इंडियन हैज डिसाइडेड टू यूज ड्रोन्स फॉर विलेज मैपिंग, तो कौन सी इंडियन स्टेट ने डिसाइड किया लाइक ड्रोन्स की हेल्प लेगा फॉर मैपिंग ऑफ विलेज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। अबाउट द स्टेट बेसिक डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ई कैलकुलेटर फॉर इंडिविजुअल्स टू एस्टिमेट देयर टैक्स लाइबिलिटी, तो न्यू टैक्स स्लैब्स आ चुके हैं ताकि इंडिविजुअल्स को टैक्स पेयर्स को दिक्कत ना हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक कैलकुलेटर भी लॉन्च किया अपनी साइट पे। ई कैलकुलेटर इसका नाम है। वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट अनाउंसर रिटायरमेंट, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी, इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है पाइनिलोपी कोजिनाओ गोल्डबर्ग। तो इन्होंने अपनी फ्रॉम द पोजिशन ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक की रिटायरमेंट अनाउंस कर ली है। एंड इसके बाद जब तक कि कोई और न्यू बनती है तब तक इंटरिम जो होंगी वो होंगी आर्ट करे, इनका नाम भी आपको ज़रूर याद रखना। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। CFO अंशुला कांत, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अंशुला कांत। अटल भूजल योजना अभी विद द हेल्प फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक भी इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देने वाला है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये अटल भूजल योजना किसके रिलेटेड है, सो इट इज़ रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। पूरा डिटेल भी आपको ये मिल जाएगा कब इसको शुरू किया गया था एंड कौन सी मेन सिटीज़ में कौन सी स्टेट्स में इसका जो फोकस रहेगा ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का, पूरा डिटेल मिलेगा आपको। हैज बीन अपॉइंटेड एज ए ब्रिटेन्स हाई कमिश्नर टू इंडिया, तो किसे अपॉइंट किया गया ब्रिटेन्स हाई कमिश्नर टू इंडिया, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी फोलियो बैटन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा दिस इज ब्रिटेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। अंडर विच ऑपरेशन द पुलिस विल आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ ऑल ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एंड विल प्रोवाइड ए यूनिक 4-डिजिट नंबर डेट विल बी अलॉटेड टू देम, यानी कि उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी एंड यूनिक 4-डिजिट नंबर भी दिया जाएगा, वो उनको ऑटो पे अपने लिखाना होगा, ताकि ट्रैक कर पाए, कोई भी दिक्कत आए तो आराम से सारी चीज़ें मिल पाएँ। तो अंडर ऑपरेशन नकेल दिस वॉज स्टार्टेड इन गाजियाबाद इन यूपी स्टेट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड CN रामचंद्रन नायर टू प्रिपेयर एन इन्वेंट्री एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ ऑर्नामेंट्स ऑफ लॉर्ड अयप्पा ऑफ सबरीमाला टेम्पल। अब ये पूछ रहा है कि ये सबरीमाला टेम्पल कौन से इंडियन स्टेट में है, सबरीमाला टेम्पल है जी केरल में। दिस क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट ग्लास रूफ सस्पेंशन ब्रिज विल बी बिल्ट, तो कहाँ पे बनेगा जी, ग्लास का होगा नीचे सब कुछ दिखेगा, ये बनेगा जी उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दिशा पुलिस स्टेशन ओपन किया गया, जल्दी जल्दी फैसले होंगे रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, कोई भी वुमेन का कोई भी दिक्कत आई, दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया, तो ये हुआ जी आंध्र प्रदेश में। दिशा बिल भी आंध्र प्रदेश में पास हुआ था। 13th एडिशन ऑफ अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीत लिया, इंडिया को हरा के बांग्लादेश ने ये जीत लिया। फर्स्ट लुक ऑन बायोपिक ऑन APJ अब्दुल कलाम रिलीज की गई, तो किसके द्वारा इसे रिलीज किया गया, इसे रिलीज किया गया प्रकाश जावड़ेकर द्वारा रिलीज। पूरा डिटेल भी एंड मोहम्मद अली जो रोल प्ले करेंगे एज अ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन द मूवी। बाकी डिटेल डायरेक्टर एंड बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए मनोज दास। डिटेल भी पूरे यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कौन देता है एंड क्यों दिया जाता है। लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया किसका है जी, देखो सबसे ज़्यादा तो दिल्ली का है बट अब हैदराबाद का सेकेंड नंबर पर बन गया। तो सब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप दिल्ली मार्क करेंगे बट तेलंगाना में लाइक हैदराबाद में तो लाइक सेकेंड नंबर का अब जो रेलवे नेटवर्क बन चुका है हैदराबाद का, तो वो पॉइंट आपको याद रखना है। न्यूज़ में यह था कि हैदराबाद का सेकंड बन गया तो मैंने इस क्वेश्चन में ले लिया कि इंडिया का कौन सा, तो कई बार एग्जामिनर आपको इस तरह कंफ्यूज भी करेगा। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है एंड सेकंड नंबर बन चुका हैदराबाद का। LGBT लेस्बियन गे बायसेक्सुअल ट्रांसजेंडर को काउंट करेगा इन द सेंसस 2021 कौन सा कंट्री, नेपाल। वर्ल्ड पल्सिस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली, ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है 10 फरवरी को, वेल ये दूसरी बारी हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यंगेस्ट गर्ल बनी टू समिट माउंट एकोनगा रिसेंटली, साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक को समिट करने वाली जिसकी हाइट है 6962 मीटर्स,
शी इज़ फ्रॉम मुंबई एंड शी इज़ ओनली 12 ईयर्स ओल्ड. इनका नाम है काम्या कार्थिकेनन. ओके ऑलरेडी मार्क्ड. नेशनल डी वार्मिंग डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 10 फरवरी को. ऑस्कर अवार्ड दिए गए. वेल इसके रिलेटेड मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है ऑस्कर का, तो वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. तो वहाँ यहाँ भी आपको दिखेगा, सब कुछ मिलेगा, बट वो प्रॉपर वीडियो है, उसमें आपको अच्छे से मैंने रिवाइज भी कराया एंड याद भी कराया, तो वो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना. ओके ऑस्कर के. इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 11 फरवरी को. थीम था इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रीनेम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो इसका न्यू नाम क्या रखा जाएगा? टू ऑनर अटल अरुण जेटली जी. तो इसका जो न्यू नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं फरीदाबाद में. ओके विच इंडियन स्टेट हैज ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट एवर हॉर्नबिल फेस्टिवल? कौन सी इंडियन स्टेट द्वारा फर्स्ट टाइम इसे हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया? सो दिस वॉज ऑर्गेनाइज बाय त्रिपुरा. ओके याद रखेगा. इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं हु इज़ लीडिंग द रिसर्च टीम टू डेवलप कोरोना वायरस वैक्सीन. ऑस्ट्रेलिया में काम चल रहा है, तो इनका नाम क्या है ये आपको बताना है. इनका नाम है SS वर्सन. ओके काम कर रहे हैं कि वैक्सीन बनाया जाए एंड जो कोरोना से हमें बचाएगा. ओके नेक्स्ट करते हैं. विच स्टेट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना विच प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि सालाना 6,000 रुपये देगा टू द नीडी फैमिलीज फार्मर्स की. ठीक है, तो कौन से स्टेट द्वारा से लॉन्च किया गया? हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा. लॉन्च बाय सत्यदेव नारायण आर्या जो गवर्नर हैं हरियाणा के. स्कीम का नाम याद रखना मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, डिटेल भी मिल जाएगा आपको. ओके विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस दैट इट विल लॉन्च एन इंटर्नशिप स्कीम फॉर कॉलेज स्टूडेंट? कॉलेज स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगा जी. ठीक है, तो दिस वॉज अनाउंस्ड बाय उत्तर प्रदेश. अब इसकी डिटेल, इसमें क्या है कि जो भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. ठीक है, जो भी टेक्निकल कोर्स वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें मदद करेगी यूपी गवर्नमेंट. ओके अजय वारियर कौन कौन से कंट्रीज के बिटवीन कंडक्ट की जाती है जी? ओके तो ये होती है बिटवीन इंडिया एंड यूके, याद रखिएगा. अवर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू एक बुक लॉन्च की गई चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी. तो ये आपको बताने किस बुक के ऑथर कौन है जी? इस बुक के ऑथर हैं के रामाकृष्णा राव. ओके कोरोना वायरस का नाम ऑफिशियली दिया गया WHO द्वारा. एग्जैक्टली कोविड इज द करेक्ट आंसर. ओके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किसी स्टेट को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिया उसके काम को देखते हुए, तो किसको दिया जी? आंध्र प्रदेश को. ओके कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हमारी कंट्री आए हैं जी? आए थे 24 और 25 फरवरी. एग्जैक्टली USA. ओके ICC वुमेन चैंपियन ट्रॉफी किसने जीत ली है जी? ये रिकॉर्ड देखा जाता है 2 सालों का, 2017 से देखा गया परफॉर्मेंस टीम की, तो ये जीता जी ऑस्ट्रेलिया ने. भारत हमारा 4th नंबर पे है. ओके एलिफेंट ऑक्शन द लाइसेंस फॉर एलिफेंट हंटिंग. एलिफेंट की हंटिंग यहाँ लीगल है बट इन लिमिट्स. ठीक है, सबसे ज़्यादा एलिफेंट इसी कंट्री में 130,000 एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है, तो कुछ लाइसेंस बेचेंगे ताकि कुछ एरिया में जहाँ पे अलो है वहाँ पे कुछ लाइसेंस बेचेंगे एंड कुछ एलिफेंट की हंटिंग हो सकती है. सो ये कौन सा कंट्री है जी ऐसा अनाउंस करने वाला, ऐसे अपने लाइसेंस बेचने वाला? बोत्सवाना. ओके नेशनल प्रोडक्टिविटी कौन सी प्रोडक्टिविटी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व की जाती है इंडिया में? करेक्ट आंसर इज 12 फरवरी. ओके बेस्ट एमर्जिंग फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 बाय हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा नामित किया गया इन्हें. इनकी पिक्चर आपके सामने, इनका नाम है लारेम सैनी. ओके वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल घोषित की गई थी, याद रखिएगा. मैन की बात की जाए मनप्रीत सिंह मेल कैटेगरी में, याद रखिएगा. ओके एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर. देन उसके बाद विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड ग्राउंड वाटर एक्ट 2020? किस स्टेट द्वारा अप्रूव किया गया? यह अप्रूव किया गया उत्तर प्रदेश द्वारा. ओके देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, एमर्जिंग प्लेयर जो रही लारेम सैनी, ठीक है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल एंड मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2019, नॉट एमर्जिंग ओनली मैन प्लेयर ऑफ द ईयर. ठीक है, वो मनप्रीत सिंह रहे थे हमारे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है. ओके तो वो
डाउट क्लियर कर लेना, एमर्जिंग नहीं है वो, मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किए गए थे. ओके, देन उसके बाद विच इंडियन स्टेडियम, आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, डिटेल भी मिल जाएगी पूरी. ओके, बीजेपी लाइक इलेक्शंस हुए थे, आम आदमी पार्टी जीत गई, 62 सीट्स मिली आम आदमी पार्टी को, एंड बीजेपी को 8-16 फरवरी को उन्होंने शपथ भी ले ली, तीसरी बारी सीएम बन चुके हैं. गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिना इस्लाम, तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपको बताना है. इस बुक के ऑथर हैं एमजे अकबर. ओके, गिरिराज किशोर पास्ड अवे, इनका निधन हो गया. ही वॉज द रेसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स, तो इन्हें कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है ये आपको बताना है. गिरिराज किशोर, ठीक है, इनको ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, ऑल आर करेक्ट. पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड, व्यास सम्मान, सबसे सम्मानित किया जा चुका है. ओके, इनका नाम याद रखना. उसके बाद अर्नाल्ड अरमांड ड्यूप्लेंट्स ब्रेक्स पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड. पोल देखा ना, एक लाइक एक पोल लेके वो दौड़ते हैं, फ्लेक्सिबल पोल होता है, उसकी हेल्प से जंप करते हैं एक साइड से दूसरी साइड, तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है स्वीडन के पोल वॉल्टर. अरमांड ड्यूप्लेंट्स ब्रेक द पोल वॉल्ट रिकॉर्ड वर्ल्ड सेट बाय रेनॉल्ड लेविनाई ऑफ फ्रांस इन 2014. ओके, तो जो रिकॉर्ड इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, इन्होंने जंप किया जी 20 फीट, यानी कि 2.9 इंचेस फॉर से, और 6.17 मीटर्स. ओके, तो इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था 6.16 मीटर का, अब जो न्यू रिकॉर्ड है जंप करने का वो है जी 6.17 मीटर्स का. ओके, इंडियन फर्स्ट इंडियन टू रिसीव आईओसी ऑनरेबल मेंशन, ये कोच इन बैडमिंटन के, इन्हें सम्मानित किया गया, इनका नाम है पुलेला गोपीचंद. देखो अब अभी तक के वीडियो में मैंने आपसे शेयर कर दिए जी फर्स्ट 2 वीक के करंट अफेयर. ओके, तो आप चाहें तो बीच में 5 मिनट का गैप भी ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, देन उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा 3rd week and 4th week. ओके, तो 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है. ओके ओके, शुरू करें फिर. आई होप आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया एंड आप फिर से रिफ्रेश हो चुके. देखो अब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, जो मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं मुझे, आई नो कि आप लोगों तक पहुँचें एंड आप लोग इसे अप्रिशिएट करें एंड इसको स्प्रेड करें. ओके, तो प्लीज़ को लाइक शेयर करना है. अब हम शेयर करेंगे जी फरवरी के 3rd week के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. ओके, शुरू करें फिर. हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया, तो किसे बनाया गया, इनका नाम है राजीव बंसल. ओके, देन उसके बाद नेशनल वुमेन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, सरोजिनी नायडू नायडू जी का बर्थ एनिवर्सरी होती है, 13 फरवरी इज द करेक्ट आंसर. ओके, डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. ओके, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, गाजियाबाद पुलिस द्वारा से लॉन्च किया गया था ऑपरेशन नकेल ऑटो ड्राइवर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये आपको पता है. ओके, ऑथर ऑफ द बुक ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन एयर एक्ट 1981, तो इस बुक के ऑथर कौन है, इस बुक के ऑथर हैं जी डॉक्टर के खंडेवाल. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. विच इंडियन स्टेट हैज़ होस्टेड नेशनल एक ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल फॉर वुमेन एंटरप्रेनर्स, तो किसने इसे होस्ट किया था, इसको होस्ट किया जाती हमारी अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. ओके, इंडियन ओरिजिन है जिन्हें अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो किसे बनाया गया, रॉबिन सिंह. ओके, हु हैज बीन कन्फर्ड विद डैन डेविस प्राइज 2020, किसे सम्मानित किया गया, गीता सेन. ओके, पूरी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. ओके, अंटार्कटिका जो सबसे कोल्डेस्ट हमारा कंटिनेंट है उसमें टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखा गया इन पास्ट 30 ईयर्स, तो कितने डिग्री जो टेम्परेचर लाइक मेजर किया गया वो है जी 20.75 डिग्री सेल्सियस, जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया. ओके, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द स्टेट टू से नो टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, CEA को ना करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन बन गया जी, पुडुचेरी. ओके, प्यार का पौधा इनिशिएटिव कौन सी इंडियन स्टेट द्वारा इसे स्टार्ट किया गया. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, बिहार. प्यार का पौधा इनिशिएटिव पेड़ पौधे लगाने के लिए ये स्टार्ट किया गया बिहार गवर्नमेंट द्वारा. ओके, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन किसे बनाया गया, इंडियन ओरिजिन के जी, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऋषि सुनक. ओके, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया ब्रिटेन का. ओके, प्रीति पटेल गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर है, ठीक है. हु हैज बीन नेम्ड चूजन एज द वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा. देखो मैन कैटेगरी में मनप्रीत सिंह एंड वुमेन कैटेगरी में नीदरलैंड की इवा दे गोड़े, ये वुमेन टीम
लाइक नीदरलैंड की वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है। ओके तो याद रखना रानी रामपाल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर एंड ला रिमसानी इंडियन एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। तो ये सारे कन्फ्यूज़ नहीं होना, मनप्रीत सिंह मैन कैटेगरी में एंड फीमेल वुमेन कैटेगरी में आ गई जी इवा देगोड़े एंड वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 रानी रामपाल एंड वुमेन कैटेगरी में एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर इंडिया की तरफ से ला रैम सैनी। ओके न्यू फाइनेंस मिनिस्टर न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी किसे बनाया गया? देवाशीष पांडा। इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 15 फरवरी। ओके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है किसी यूनियन टेरिटरी में, कौन सी यूनियन टेरिटरी में होगा जी? ये होगा जी जम्मू एंड कश्मीर। ओके वेल ये मैप पुराना है, ठीक है अब ये मत बोलना कि सर आपने गलत लगाया, आई नो कि ये 2019 का 2019 का, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, अब चेंज हो चुका है, इसके दो हिस्से हो चुके हैं। ओके देन उसके बाद फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस स्टार्ट की गई कहाँ से कहाँ तक? तो ये हुई जी बिटवीन मुंबई टू पुणे। ओके डिटेल मिल जाएगा, इसका नाम क्या है, किसने बनाया, इसकी रेंज क्या है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके न्यू हेड ऑफ हेड बनाया गया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के, किसे बनाया गया? एग्जैक्टली जी नारायण। ओके अब पूरी डिटेल भी मिल जाएगी ये आपको NSIL जो मैन्युफैक्चर करेगा स्मॉल एंड लाइट वेट सैटेलाइट्स। ओके एक कमर्शियल एंटिटी है इसरो की। ओके राजेंद्र के पचौरी इनका निधन हो गया, तो ये बताना है कि ये किसके फाउंडर थे? ये फाउंडर थे द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के। ओके अरविंद केजरीवाल मैंने आपको बताया इन्होंने शपथ ले लीजिए, तीसरी बारी सीएम बन चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के अनिल बैजल। विच इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी वॉज नेम्ड टू लीड UN क्लाइमेट चेंज समिट डेट विल बी होस्टेड बाई ब्रिटेन? तो किसे चुना गया? करेक्ट आंसर है आलोक शर्मा, नाम याद रखना, डिटेल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस हैज सेलिब्रेटेड 73rd रेजिंग डे ऑन विच डे, कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जिसने अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली, यानी कि 16 फरवरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके संप्रीति 9th edition खत्म हो गया जी उमरोही में गालिय में, कौन कौन से कंट्रीज के बिटवीन होता है जी? मिलिट्री एक्साइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके बीमस्टेक कॉन्फ्रेंस टू स्टॉप ड्रग ट्रैफिकिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? तो ये हुई थी जी न्यू दिल्ली में। ओके बीमस्टेक का ही समिट हुआ था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो वो भुवनेश्वर में हुआ था, वो कन्फ्यूज़ नहीं करना। एंड ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग के रिलेटेड है ये हुआ जी न्यू दिल्ली में। बीमस्टेक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ओके बेस्ट फिल्म एट 65th फिल्म फेयर अवार्ड्स किसे दिया गया? करेक्ट आंसर इज गली बॉय। ओके पूरा डिटेल भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं आप घबराओ मत, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। नेशनल अचीवर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया इन्हें, इनका नाम है डॉक्टर सोहनी शास्त्री। ओके सौरभ घोषाल एंड जुसाना चिनापा क्नीज 77 सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप, तो इन्होंने जीत ली है चेन्नई में, ठीक है इनका नाम याद रखना किसने किसको हराया, ये भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी सौरभ एंड जुसाना। ओके बायो एशिया समिट 2020 कौन सी इंडियन सिटी ने होस्ट किया जिसका थीम था टुडे फॉर टुमारो? एग्जैक्टली तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में हुआ है। ओके वर्ल्ड नाइन्थ पेंगोलियन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? बेसिकली ये 3rd Saturday को किया जाता है फरवरी, तो इस बार ये ऑब्जर्व किया गया 15 फरवरी को। ओके विच इंडियन स्टेट हैज डिसाइडेड टू रीनेम अ बस स्टैंड इन द नेम ऑफ लेट सुषमा स्वराज जी, सम्मानित करने के लिए इनको हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा से डिसाइड किया गया, यहाँ पे डिटेल भी आपको मिल जाएगा। ओके आपको पता है कि कोरोना वायरस कितना ज़्यादा फैला है, तो हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि जो जो बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ तो उन पे एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी, तो चेक करेंगे तो कौन कौन से इंडियन स्टेट के बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर होते हैं? उत्तराखंड वेस्ट बंगाल सिक्किम ऑल आर करेक्ट एंड टू अदर इंडियन स्टेट्स बिहार एंड UP। ओके तो ये सारी जितने नाम लिखे हैं सबके बॉर्डर टच होते हैं विद नेपाल। ओके माइग्रेटरी स्पीशीज़ का जो कन्वेंशन हुआ, ठीक है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो कौन सी इंडियन सिटी ने होस्ट किया एंड कहाँ पे हुआ? 13th edition था वेल ये क्वेश्चन के हिसाब से, तो इंडिया इसका करेक्ट आंसर एंड ये हुआ कहाँ? जहाँ ये हुआ था गुजरात में। ओके एंड इसका उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एंड इसका जो थीम था वो था माइग्रेटरी स्पीशीज़ कनेक्ट द प्लानट एंड वी वेलकम देम होम। ओके
कोई रेलवे जोन हो बन चुका है जो एनर्जी न्यूट्रल रेलवे स्टेशन बन चुका है, यानी कि वहाँ जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सोलर पावर पे ही यूज़ होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं हो रहा। तो ये कौन सा रेलवे जोन बन चुका है, हमारे कंट्री का फर्स्ट रेलवे जोन बन चुका है, ये बना है जी साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। ओके, 5 किलोमीटर रेसिंग में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, ठीक है, उगांडा के जो जो हुआ चेप्तेगी। ओके, इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया वो 5 किलोमीटर इन्होंने दौड़ा 12 मिनट 51 सेकंड में। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था कीनिया के रोनेक्स किपरूटो का, उनका था 13 मिनट 18 सेकंड में। ओके, तो इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, इनका नाम है जो सुआ चेप्तेगी। ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग कहाँ पर हुई जी, अभी हाल ही में, ये पेरिस में हुई, एंड पाकिस्तान को स्टिल इज इन ग्रे लिस्ट, उनको रखा चेतावनी पे रखा गया कि भाई साहब सुधर जाओ नहीं तो ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन है, जिनकी मुलाकात हमारे जयशंकर लाइक एस जयशंकर से हुए, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से। तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं जी माइक पोम्पियो। ओके, 6 करोड़ रुपये प्राइज़ देगी जी जो भी ओलंपिक गोल्ड मेडल्स विनर्स होंगे, कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया ये आपको बताना, कॉमनवेल्थ या फिर ओलंपिक में जो एशियन गेम्स में गोल्ड जीतेगा, ठीक है, 6 करोड़ रुपये का अपना दिया जाएगा, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वैसे पहले भी मिलते थे बट अब थोड़ा और बढ़ा दिया गया। ओके, तो ये दिएगा जी हरियाणा गवर्नमेंट। ओके, दीनदयाल उपाध्याय के लार्ज स्टैचू का मतलब उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कहाँ पे किया जी, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ वाराणसी में। ओके, कहाँ पे, वाराणसी यूपी में। एक रेलवे ट्रेन चलाई जाएगी एट द एंड ऑफ द मार्च, जिसका थीम क्या रखाया जाएगा, राम भक्तों के लिए अच्छी न्यूज़ है, वहीं वहाँ ले जाएगी जो जो प्लेसेस राम भगवान से रिलेटेड है, रामायण। ओके, इसका करेक्ट आंसर, थीम रामायण ट्रेन का। तो यूनाइटेड बाय इमोशंस, इसका जो लाइक टोक्यो ओलंपिक्स का जो मोटो जो चूज़ किया गया टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन, जिसकी गुडविल एम्बेसडर सौरभ गंगोली हमारे इंडियन एथलीट्स के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड बाय इमोशन इज द ऑफिशियल मास्कट, ऑफिशियल मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020, इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान फॉर अ सेकेंड टाइम कौन बन चुके, एग्जैक्टली अशरफ गनी। ओके, ऑस्ट्रेलिया न्यू हाई कमिश्नर टू इंडिया किसे बनाया गया, बैरी ओ फेरल इज द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट एयरपोर्ट बन चुका है इंडिया का टू यूज सिंगल प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट, यानी कि प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट हो चुका है, सिंगल यूज़ वाला नहीं यूज़ करता वो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ नहीं होते। ये है जी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में। हज प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल करने वाला फर्स्ट कंट्री बन चुका है जी हमारा अपना इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिनेम्स IDSA, ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एज मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, डिफेंस मिनिस्टर रहे थे हमारे मनोहर पारिकर जी, जो गोवा के CM थे जब उनका निधन हुआ था 2014 से लेकर 2017 तक। ओके, अमित दहिया पे प्रतिबंध लगाया जी 4 साल का नाडा ने फॉर द वॉयलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। तो अमित दहिया कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं ये आपको बताना है। तो अमित दहिया हैं जी जेवलियन थ्रोअर, जिन पे नाडा ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। ओके, इंडिया ने ओवरटेक किया UK एंड फ्रांस को टू गेम द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, ठीक है, अभी आपको याद रखना है इंडिया ने ओवरटेक किस किस को किया, UK एंड फ्रांस को, एंड नंबर वन पे US है, सेकेंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे जापान है, फोर्थ नंबर पे जर्मनी है, पांचवें नंबर पे हमारा है जी इंडिया का। ओके, देन फर्स्ट क्रिकेटर जिन्होंने लाइक इंडियन बनेंगे जिन्होंने 50,000 फॉलोअर कंप्लीट कर लिए इंस्टाग्राम पे, वेल पिक्चर से पहचान लिया, विराट कोहली। ओके, सोशल एंड वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली, ओके, तो ये किया जाता है 20 फरवरी को। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ राम जन्मभूमि तीर्था क्षेत्रा ट्रस्ट, किसे बनाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे प्रेजिडेंट बनाएगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज महंत नेत्र गोपाल दास जी, करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ओके, चंपत राय को सेक्रेटरी बनाया गया, पूरा डिटेल भी आपको मिल जाएगा, कौन CA कौन होगा, अकाउंटेंट्स कौन देखेगा, अकाउंटिंग कौन देखेगा, सब मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। 17वां नेशनल डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेट किया किसी कंट्री ने अभी हाल ही में 19 फरवरी को, तो कौन सी इंडियन कौन सी कंट्री ने, कंट्रीज नेपाल। ओके, देन नेक्स्ट है जी हमारा हु हैज बीन विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी वॉन लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 इन बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट कैटेगरी,
तो किसे चूज किया गया? ये पिक्चर आपने देखा होगा जरूर, जब सचिन तेंदुलकर को सबने अपने कंधे पे उठाया था, तो बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ओके, बाकी डिटेल भी आपको मिल जाएगा, इन डेप्थ मिलेगा किस किस को, बाकी कैटेगरी में आपको यहाँ पे याद रख सकते हो। 87 केजी कैटेगरी में हमें गोल्ड जिताया एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में, तो किसने जिताया जी? सुनील कुमार। ओके, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है तीसरे नंबर पे। ओके, सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंग्लिश, उसके बाद बोली जाती है चाइनीज, उसके बाद बोला जाता है हमारा अपना हिंदी। ओके, याद रखिएगा। माइक राइट पास्ड अवे, इनका निधन हो गया जी। कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती थी ये जी? अमेरिका की लेजेंडरी गोल्फ प्लेयर थी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सॉइल हेल्थ कार्ड डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? 19 फरवरी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है जी हमारे? वो हैं जी नरेंद्र सिंह तोमर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था 19 फरवरी 2015 को, तो उसी चीज़ को मार्क करते हुए 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, बांग्लादेश विल साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद नेपाल, यानी कि आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, लाइक आपस में टैरिफ्स वगैरह टैक्सेस वगैरह नहीं होंगे आपस में जब भी ट्रेड करेंगे, कौन कौन? बांग्लादेश एंड नेपाल। ओके, पिनराय विजयन लॉन्चेस युद्ध मोबाइल ऐप लॉन्च की टू कम बैक ड्रग मिनेस, यानी कि अगर आपके आसपास कोई भी ड्रग की तस्करी कर रहा है तो उस ऐप में आप इन्फॉर्म कर सकते हो पुलिस में, आपको लड़ने झड़ने की जरूरत नहीं है। विद हेल्प ऑफ दिस ऐप युद्ध मोबाइल ऐप लॉन्च बाय केरल CM पिनराय विजयन। ओके, सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन गया आफ्टर मुकेश अंबानी, इनका नाम क्या? इनका नाम है राधा किशन दामिनी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनके बारे में डिटेल भी मिल जाएगा। देखो, 2 वीक के इंपॉर्टेंट, अब हमारे 3 वीक के इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट स्टार्ट 4th वीक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एंड आई होप यू आर इन्जॉइंग, एंड वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड टारगेट बोलना नहीं 5,000 लाइक। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली? 21 फरवरी को, एंड जिसका थीम था लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। अरुणाचल प्रदेश ने कौन सी डेट को अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जी? 20 फरवरी। ओके, डिटेल भी मिल जाएगा। न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया गया? संजय कोठारी। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अटल किसान मजदूर कैंटीन सस्ते में खाना देगा फार्मर्स को और गरीब लोगों को, कौन सा स्टेट? अटल किसान मजदूर कैंटीन, हरियाणा गवर्नमेंट। भारत बंगला पर्यटन उत्सव कौन सी स्टेट में इसको शुरू किया गया? ये किया गया जी अगरतला में। ओके, डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लाइक बेसिकली क्या है कि इसमें बांग्लादेश और आपस में रिलेशंस को अच्छा करने के लिए एंड वहाँ के टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए अगरतला में इसको नाम स्टार्ट किया गया, एंड इसका नाम ही है भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव। ओके, IPL शुरू होने वाला है जी, ठीक है, 29 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, 13वां एडिशन है, याद रखिएगा। जेफ बेजोस लॉन्चेस बेजोस अर्थ फंड टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने के लिए $10 बिलियन का हेल्प देंगे जी, इसके लिए एक इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया, बेजोस अर्थ फंड। ओके, याद रखिएगा, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन। ओके, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन का सेकेंड फेज लॉन्च कर दिया गया, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। रन फॉर टी इंडिया इवेंट जिसे ऑर्गेनाइज किया गया बाय त्रिपुरा टी बोर्ड द्वारा। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। लैरी टेस्लर पास्ड अवे, तो ये फाउंडर ऑफ कट कॉपी पेस्ट, न्यूयॉर्क में इनका निधन लाइक जन्म हुआ था 1945 में, अभी इनका निधन हो गया जी। कौन से फील्ड से रिलेट करते थे? कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ओके, गोल्ड मेडल किसने जिताया? सेकंड वुमेन बन गई आफ्टर नवजोत कौर, इन 68 kg कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जिताया हमें। ओके, आफ्टर नवजोत कौर ने हमें गोल्ड जिताया था, इन्हें सेकेंड वुमेन बनी जिन्होंने हमें गोल्ड जिताया इन 68 kg कैटेगरी, इनका नाम है दिव्या काकरण। ओके, ये पिक्चर आपके सामने। व्हेन विल BS6 भारत स्टेज 0 स्टैंडर्ड विल बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, एंड दुनिया का सबसे स्वच्छ सबसे साफ हम पेट्रोल यूज करने वाले कब से, ये आपको बताना है, तो ये होगा जी 1 अप्रैल 2020 से। ओके, ये याद रखना आपने। ESPN फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया फॉर द ईयर 2019, इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए PV सिंधु। ओके, नेक्स्ट है, ये बाकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। RAAD सेकेंड लाइक न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया कौन सी कंट्री ने, तो ये किया जी पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश।
ये जो ट्रेन चलाई जाएगी, यही आपसे पूछ रहा है कि इस ट्रेन का नाम क्या है। वेल आई थिंक ये आपको मैं बता चुका हूँ इसी सेम वीडियो में। तो इस ट्रेन का नाम है जो थीम पे चलेगी, रामायण थीम पे, श्री रामायण एक्सप्रेस। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ धन लक्ष्मी बैंक बाय RBI। तो किसे बनाया गया जी? बनाया गया सुनील गुरबाज जानी। ओके वेल, बाकी ऑप्शंस में नहीं है, यहाँ एड ऑन करना रह गया, बट स्टिल नो प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए इज द जो एक है यही आंसर है। ओके, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल विजिट इंडिया फ्रॉम, इन्होंने विजिट किया था 26 से 29 फरवरी के बिटवीन, ठीक है, लाइक कल तक। तो ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है जी? ये हैं जी म्यांमार। प्रेसिडेंट ऑफ FICCI, इनका निधन हो गया जी, इनका नाम था जी VL दत्त। ओके, प्रज्ञान ओझा, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते थे? एग्जैक्टली क्रिकेट। ओके, पाकिस्तान विल रिमेन ऑन FATF, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, भाई साहब अगर सुधरोगे नहीं तो ऐसे ही रहोगे, एंड अगर नहीं सुधरे तो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे एंड कोई भी लोन नहीं देगा फिर आपको, फिर खाने के लाले पड़ जाएंगे। ओके, नमस्ते ट्रंप इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, बिल्कुल ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, फर्स्ट क्रिकेटर बन गए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100-100 मैच खेल लिए, टेस्ट में भी 100, ODI में भी, T20 में, न्यूजीलैंड के रॉस टेलर। PM लियो वराडकर रिजाइंस, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? आयरलैंड के। ओके, किसे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनाया गया? दो अपॉइंट हुए, अमरजीत सिन्हा, भास्कर कुबले। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिल्ट इंडियाज टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज, बनाया सबसे ऊंचा, लगभग 100 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये कौन सी इंडियन स्टेट में बना है? तो ये बनाया जी मणिपुर में। ओके, ये पिक्चर आपके सामने, अक्रॉस मकरू रिवर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अकॉर्डिंग एक जो इंडिविजुअल है वो लगभग कितनी देर वहाँ रहा होना चाहिए, उसको एक लोकल रेजिडेंट माना जाएगा, यूजुअल रेजिडेंट माना जाएगा? 6 मंथ। ओके, याद रखिएगा, आप क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स कौन से कंट्री के से हम खरीदने वाले हैं जी? ये जो डील हुई है USA के साथ। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे शुरू हुए जी? उड़ीसा। प्रयाग घाट स्टेशन का नाम बदला गया, क्या नाम रखा गया इसका? वेल, चार रेलवे स्टेशन के नाम बदलेंगे, प्रयागराज संगम इज द करेक्ट आंसर। ओके, यूपी में है सब कुछ है, एंड ये बाकी जो चेंज किए गए पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। 2018 में अहमदाबाद का नाम प्रयागराज किया गया था, वो भी आपको याद रखना है। ओके, एज पर द स्टेट बर्ड ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2020, सबसे ज्यादा इंक्रीज के कौन से बर्ड की पॉपुलेशन में देखने को मिला है? तो ये मिला है इंडियन P4। ओके, री इलेक्ट हुई है प्रेजिडेंट ऑफ रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, लक्ष्मी सिंह डीओ इज द करेक्ट आंसर। ओके, हु हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन विद WBR वर्ल्ड गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड ऑनर। तो इनके कंट्रीब्यूशन को टुवर्ड्स बॉलीवुड इन्हें सम्मानित किया गया, इनका नाम है मनोज कुमार। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर इज विजय अडवाणी। ओके, याद रखिएगा, एंड हेडक्वार्टर इसके हैं जी वॉशिंगटन DC में। रेडियो स्टेशन स्टार्ट करेगा फॉर प्रिजन इनमेट्स, लाइक जो कैदी होते हैं, कौन सा स्टेट? वेस्ट बंगाल। ओके, ऑथर ऑफ द बुक लेट मी से इट अगेन, लेट मी से इट नाउ, मुंबई पुलिस कमिश्नर, फॉर्मर मुंबई मुंबई पुलिस के कमिश्नर, जब 26/11 अटैक हुआ था 2008 में, तो इनके द्वारा इस बुक लिखी गई है, राकेश मारिया। ओके, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन, एंड बेस्ट मूवी Super 30। ओके, कौन सा मिशन स्टार्ट कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल सीड प्रोडक्शन? तो ये स्टार्ट कर रहा है मिशन इंडिया तिलहान मिशन। ओके, फार्मर्स को एंड इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने इन ऑयल सीड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर नीति कुमार टू बी ऑनर्ड विद SERB वुमेन एक्सलेंस अवार्ड, इन्हें सम्मानित किया जा चुका है 28 फरवरी को वर्ल्ड इंटरनेशनल साइंस डे वाले दिन, ठीक है।
तो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा. एंड शी इज़ ए सीनियर साइंटिस्ट फ्रॉम द डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूल पेरिस्टोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी. ओके, तो इन्हें सम्मानित किया जाएगा. SERB का मतलब हो गया साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड. ओके, इनकी पिक्चर. अशोक चैटर्जी, इनका निधन हो गया. कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते थे जी? तो ये थे जी फुटबॉलर. ओके, फुटबॉल क्लब गोवा बिकेम द फर्स्ट क्लब फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर AFC चैंपियनशिप. ओके, फर्स्ट क्लब बन चुका है जिसने क्वालिफाई किया फॉर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन. ओके, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा. फुटबॉल क्लब गोवा हैज बिकेम द फर्स्ट टू क्वालिफाई फॉर AFC. बांग्लादेश ने 21 फरवरी को ही ये सेलिब्रेट करता है, बांग्लादेश मोमेंट मार्टियर्स डे, शहीद दिवस. ओके, वहाँ के जवानों ने जो अपनी शहादत दी थी, ठीक है, बांग्ला को अडॉप्ट करने के लिए एज ए नेशनल लैंग्वेज, तो जो भी शहादतें दी गई थी तो उसी चीज़ को ऑनर करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बांग्लादेश शहीद दिवस सेलिब्रेट करता है 21 फरवरी. ओके, सेंट्रल एक्साइज डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? 24 फरवरी. ओके, डिटेल भी मिल जाएगा आपको. नाबार्ड ने 400 करोड़ रुपये सेंक्शन किया फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू एंड कश्मीर. चेयरमैन कौन है नाबार्ड के? हर्ष कुमार बनवाल. ओके, PM किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? नरेंद्र सिंह तोमर. ओके, इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सालाना 6,000 रुपये दिया जाता है फार्मर्स को, ठीक है. इस ऐप की हेल्प से अपनी एलिजिबिलिटी सारी चीज़ें आप वो चेक कर सकते हैं, अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं. इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग जैटी इनॉग्रेटेड, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? इस तरह की कंक्रीट से बनी हुई है, मूवेबल है, ठीक है, किसी भी एनक्लोज वाटर बॉडी में सेंटर तक आपको ये ले जाएगी फ्लोटिंग जैटी. तो ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? मंडोवी रिवर में, अक्रॉस मंडोवी रिवर, गोवा. ओके, 34th कैंस ओपन किसने जीत लिया जी? फ्रांस में हुआ, टेनिस लाइक चेस का चैंपियनशिप, तो ये जीत लिया डी कुकेश ने, 13 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु. टॉप ट्रेडिंग पार्टनरशिप पार्टनर कौन बन गया सरपासिंग चाइना? पहले चाइना से करते थे सबसे ज़्यादा ट्रेड, अब करते हैं हम जी अमेरिका से. PM महाथीर मोहम्मद रिज़ाइन, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, मलेशिया. ओके, 11 ईयर ओल्ड जिया क्रिएट्स वर्ल्ड स्विमिंग रिकॉर्ड इन ओपन वाटर स्विमिंग. ओके, इन्होंने लाइक 14 किलोमीटर स्विम किया 3 घंटे 27 मिनट और 30 सेकेंड्स में. ओके, याद रखिएगा. एंड बाकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. शी इज़ ओनली 11 ईयर्स ओल्ड, ये पिक्चर आपके सामने. ऑथर ऑफ द बुक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी रिलीज बाय M. Venkatnaidu, इस बुक के ऑथर कौन है? ऑथर ऑफ दिस बुक इज जग्गी वासुदेव. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप पॉस्को सेल्स इन इट्स स्कूल प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेज? स्पेशल सेल्स ओपन किए जाएंगे जहाँ इसको हेड करेंगे वहाँ के स्कूल के हेडमास्टर्स. स्टेट इज बिहार. ओके, डिटेल पूरा मिल जाएगा. बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने ये डिसीजन लिया. मोहम्मद होसनी मुबारक पास्ड अवे, कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? 30 साल तक इन्होंने इजिप्ट पे राज किया था, तो ये थे जी इजिप्ट के. ओके, नेशनल वॉर मेमोरियल की फर्स्ट एनिवर्सरी कौन सी डेट को ऑब्जर्व की गई? लास्ट ईयर इसका उद्घाटन किया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू पे ट्रिब्यूट एंड होमेज टू द मार्टियर्स ऑफ अवर कंट्री, 25th फरवरी. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने किस बैंक के साथ ज्वाइन किए हाथ डिफरेंटली एबल पर्सन को हेल्प करने के लिए टू फाइंड जॉब्स इन बैंकिंग सेक्टर? सो दस बैंक इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट. ओके, यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी कि उस पर एक बार कोड लगा हो, एक चिप लगी होगी, उसकी हेल्प से पूरी डिटेल आपकी मिल जाएगी. जो भी उस पर लिखा होगा वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो सारी डिटेल यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर मिलेगी. तो ये स्टेट इज मध्य प्रदेश. ओके, डिटेल भी आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. जगन्ना अवस्थी दीवाना स्कीम फॉर स्टूडेंट्स, तो कौन से स्टेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश. ओके, स्कीम का नाम याद रखना है, पूरी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. ओके, मेस एंड होटल हॉस्टल एक्सपेंसिस की मैं मतलब लाइक कंट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की. न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन किसे बनाया गया? इनका नाम है अभय कुमार सिंह. ओके, लोसर फेस्टिवल कौन सी इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश. ओके, यहाँ डिटेल भी पूरी आपको मिल जाएगी. ओके, हु विल होस्ट, विच कंट्री विल होस्ट
कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप 2020, तो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? दिस विल बी होस्टेड बाय अवर कंट्री इंडिया। यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूशी, इनको 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया इन पे आईसीसी ने, ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। तो कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे क्रिकेट? ओमान। ओके, बिम्स्टेक टू कनेक्ट 3000 किलोमीटर लॉन्ग पावर ग्रिड टू कनेक्ट म्यांमार थाईलैंड एंड टू इंडिया। लाइक पावर का सप्लाई तीनों में इंटरकनेक्टेड रहेगा, बिम्स्टेक ने ऐसा डिसीजन लिया। ओके, वैसे पावर ग्रिड की फुल फॉर्म अगर आपको पता होगी तो आपको ये समझ आ जाएगी, पावर ग्रिड एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स फॉर डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो 3000 किलोमीटर का एक पावर ग्रिड बनाने वाला है बिम्स्टेक, म्यांमार थाईलैंड इंडिया को कनेक्ट करेगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। नेशनल साइंस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये होता है जी 28 फरवरी को, जिसका थीम था वुमेन इन साइंस। डिटेल मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ओके, इंडियाज नेक्स्ट हाई नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस किसे बनाया गया? इनका नाम है जावेद अशरफ। इंद्राधनुष कौन कौन से कंट्रीज के बिटवीन होती है? एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो यूपी में हो रही है जी, बिटवीन इंडिया एंड यूके। ठीक है, यूपी में हो रही है यूके के साथ, ये नहीं बोलना कि सर अपने यूके और यूपी, उसमें कंफ्यूज नहीं करना, यूपी में हो रही है एंड यूके के साथ होती है। ओके, देन उसके मारिया शारापोवा ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की जी। तो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करती हैं जी? ये चीज ये थी जी टेनिस की प्लेयर, शी इज़ फ्रॉम रशिया। MD & CEO ऑफ सिबल किसे बनाया गया? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, राजेश कुमार। ओके, फेमस नासा मैथमेटिशियन कैथरीन जॉनसन पास अवे, इनका निधन हो गया, नासा की मैथमेटिशियन थी 101 साल की उम्र में, 101 ईयर इनकी एज थी, इनका निधन हो गया। प्रेजिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया गया था इन्हें प्रेजिडेंट बराक ओबामा द्वारा 2015 में। जियो इमेजिंग सैटेलाइट GASAT का फर्स्ट लॉन्च करने वाला है, जियो इमेजिंग सैटेलाइट है ये जी, तो ये कब लॉन्च होगी जी? 5 मार्च को। ओके, आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा से। फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ बालाकोट एयर स्ट्राइक कौन सी डेट को ऑब्जर्व की गई? 26 फरवरी। फर्स्ट प्रोटीन डे इंडिया ने सेलिब्रेट किया जी फर्स्ट टाइम 27 फरवरी को। ओके, थीम था प्रोटीन में क्या है, ये बाकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रेस समिट कौन सी लाइक कब इसको कहाँ पे इसे ऑब्जर्व किया जाएगा? ठीक है, तो ये होगा जी न्यू दिल्ली में, रेस की फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल इम्पावरमेंट। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है विद अ पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री एंड एकेडमिया इन आवर कैपिटल न्यू दिल्ली। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट में हमारा इंडिया का रैंक कौन सा रहा जी? हमें जी 3rd नंबर, नंबर 1 पे है चाइना, 2nd नंबर पे है USA, 3rd नंबर पे हमारा अपना प्यारा भारत। ये पूरा डिटेल भी मिल जाएगा, इंडिविजुअल बात की जाए जेफ बेजोस नंबर 1 पे हैं, मुकेश अंबानी हमारे हैं जी इंडिया की तरफ से 9th नंबर पे। ओके, याद रखिएगा। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन हेल्पलाइन का, तो इनका नाम है PV सिंधु। ओके, ये पिक्चर आपके सामने, हेल्पलाइन नंबर 14400। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लिफ्ट बैन इम्पोज ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो प्रतिबंध लगाया था, बाहर नहीं भेज सकते थे क्योंकि प्याज इतना महंगा हो गया था, नाउ ओनियन आप बाहर भेज सकते हो। ओके, एक्सपोर्ट पे जो बैन था वो हटा लिया गया। विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक ऑल सैनिटरी प्रोडक्ट फ्री फॉर वुमेन्स? तो कौन सा कंट्री बन चुका है जी? यह जी स्कॉटलैंड। विच क्रिकेटर विल बी अवॉर्डेड विद ऑनरी सिटीजनशिप बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट? तो कौन से क्रिकेटर को ये प्रोवाइड की जा रही है ऑनरी सिटीजनशिप? डैरेन सैमी वेस्ट इंडीज़ के। ओके, ये डिटेल भी मिल जाएगी। पाकिस्तान का हाई सिविलियन अवार्ड निशान ए हदर से भी सम्मानित किया जाएगा डैरेन सैमी को ऑन 23rd मार्च बाय प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व किया जाता है 27 फरवरी को हर साल, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, बाकी इंफॉर्मेशन डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉपरली। ओके, हु हैज़ बिकेम द सेकेंड टू बी क्राउंड एज अ वर्ल्ड सेकेंड यंगेस्ट बिलियनियर? ठीक है, सेकेंड बन गए, नंबर 1 पे बनी थी कैली जेनर 21 ईयर्स की एज में, शी इज़ लाइक अमेरिकन प्रोफेशनल एंड एक कॉस्मेटिक कंपनी चलाती हैं। एंड इंडिया की तरफ से रितेश अग्रवाल बन चुके हैं सेकेंड यंगेस्ट, ये ओयो रूम्स ओयो होटल्स आपको पता है ना उसके फाउंडर हैं, तो रितेश अग्रवाल बन चुके हैं। ओके, सो विद दिस वीडियो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड पूरे फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर हो चुके हैं। एंड आई होप आप सबने वीडियो एंजॉय ज़रूर किया, PDF आप डाउनलोड कीजिए,
उसको आराम से बैठिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। सो अगर आप इतना कर लेते हो तो फरवरी मंथ का कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड हमारा टारगेट आपने भूलना नहीं है। इस वीडियो का टारगेट है जी हमारे लाइक टारगेट 5000 लाइक्स, एंड इस वीडियो मंथ के ख़त्म होने से पहले पहले यानी कि 31 मार्च से पहले 31 मार्च से पहले पहले 100K सब्सक्राइबर्स का हमारा जो टारगेट है, आई होप इस वीडियो के साथ हम अचीव जरूर करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, एंड डेली करंट अफेयर के लिए वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली 5 बजे आपको वीडियो मिल जाता है। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।